फूड प्रेजेंटेशन के इस एकमात्र चैनल में मैं साधना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी, बर्डी गार्लिक ब्रेड। जी हाँ, गार्लिक ब्रेड, वो भी बर्ड और नेस्ट के साथ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, साथ ही साथ इसको प्रेजेंट करने के आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए इस चैनल के अंत तक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आप इसी तरह की इनोवेटिव रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप गरम दूध ले लेंगे। दूध बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। इसमें हमने 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट डाली है और 1 टेबल स्पून शुगर डाल दी है, और 1 चम्मच आटा डालकर इसको ढककर 15 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए रख दिया है। एक बड़े बोल में 1 कप मैदा लिए है ऑल पर्पस फ्लोर, और 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। इसको मिक्स करेंगे 15 मिनट के बाद। ये ईस्ट हमने जो प्रूफिंग के लिए रखा था वो अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। मिक्स करेंगे और इसमें फ्लोर में मिला देंगे। 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे, आप इसमें कोई भी ऑयल भी डाल सकते हो, और इसमें 1 चम्मच हमने नमक डाला है। इसका मेन प्रोसेस होता है इसकी नीडिंग, तो हम हाथ से कर लेते हैं। इसमें हमने 1/2 कप मिल्क लिया है, थोड़ा सा गर्म दूध है ये, और इसको लगातार 5 मिनट तक इसी तरह हमको इसकी नीडिंग करनी है। नीडिंग हमें तब तक करनी है जब तक ग्लूटन एक्टिवेट ना हो जाए, मींस इसमें लोच जब तक ना आ जाए। इसमें हमारा 1 टेबल स्पून दूध बचा है 1 कप दूध में से। जब लगे कि डो बढ़िया तैयार हो गया है, बढ़िया सा लोच आ गया है, तो इसको इस तरह से गोल गोल करके एक बोल सा बना के, और इसी बोल में हमने ग्रीस कर दिया है, बटर लगा दिया है अच्छे से, और हमने ढककर 1 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। मैंने इसको आटे के डिब्बे में रख दिया था, और ये 1 घंटे के बाद ये इतना बढ़िया फूल गया है, ये देखिए इतना बढ़िया आटा तैयार हुआ है। इसकी हम फिर से नीडिंग करेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट तक लगातार फिर से हमको गूंथना है। जितना हम गूंथेंगे आटे को, उतना ही सॉफ्ट ब्रेड बनकर तैयार होती है। इसको आप किसी भी शेप में इसको ब्रेड को बना सकते हैं, चाहे आप इससे लोफ बनाइए, चाहे आप पाव बनाइए इससे। इसमें मैंने मल्टीग्रेन आटे का यूज़ किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी ब्रेड बनकर तैयार होने वाली है। इसको मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और इसके लंबे लंबे पीसेज इस तरह से तैयार कर लिए। आप और भी छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर सकते हो छोटी बर्ड्स के लिए। नेस्ट के लुक के लिए मैंने यह व्हीट ब्रान लिया है, गार्लिक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, और ये मैंने चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स ली हैं, और बेसिल लीव्स ली हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है। चलिए शुरू करते हैं अब बर्ड्स बनाना। ये 2 स्टिक्स लेंगे, और 1 स्टिक के सिरे को थोड़ा मोटा रखेंगे, और 1 दूसरी स्टिक को हम ऐसे यू शेप में रखेंगे। बीचों बीच पहले स्टिक को रखेंगे, और ओवरलैप करते हुए नीचे से ऊपर लाएंगे एक हिस्से को, फिर दूसरे हिस्से को भी नीचे से ऊपर लाएंगे, और ये इस तरह से हमने इसकी चोंच के लिए थोड़ा सा दबाएंगे। चाकू की मदद से थोड़ा सा शेप में लाएंगे बीक को, चोंच को, और ये बड़ी इलायची जो होती है उसके मैंने सीड्स निकाल लिए थे, उससे मैंने इसकी आईज़ बना दी। यदि आपके पास बड़ी इलायची नहीं है तो आप छोटी इलायची के दाने भी ले सकते हैं। यदि शेप थोड़ी सी चिड़िया की बड़ी है तो आप काली मिर्च भी ले सकते हो। और ये फोक से हमने इसके पंजे बना दिए, और इसको थोड़ी सी और अच्छे से शेप कर देंगे दबा के। आइस को थोड़ा सा हम दबा देंगे। ये मिल्क वॉश किया है यहाँ पर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है करना।
यदि आप एग खाते हैं तो आप एग वाइट से भी ब्रशिंग कर सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया शाइन आती है, कलर भी बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पर मैंने ये गार्लिक के ग्रेन्यूल्स हैं, इससे मैं इसको कोट करूँगी। आप गार्लिक को कद्दूकस करके ग्रेट करके भी आप उसका यूज़ कर सकते हो, और ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो या बिस्किट क्रम्स भी ले सकते हो। आपके पास जो भी हर्ब्स हैं वो डाल दीजिए, ज़रूरी नहीं है जो मैंने यूज़ किए हैं वो आप भी यूज़ करें। यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिया अच्छे से, और इसमें मैं धीरे से ये बर्ड्स उठाऊँगी और ये यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। दूसरी बना लेते हैं, दूसरे भी इसी तरह सेम स्टाइल से हमने बनाया है। और अब मैं ये दो मैंने छोटी छोटी बनाई हैं, एक पीस में से ये हमने दो बर्ड्स बना ली हैं। अब ये इन क्यूट क्यूट बर्ड्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं एक क्यूट क्यूट सा बेस, आप इनको सोफ़ा भी बोल सकते हैं क्यूट क्यूट बर्ड्स का। ये देखिए इस तरह से हम बढ़ाते हुए कवर करेंगे पूरा। बहुत सॉफ्ट डो है तो बहुत इजीली बन जाता है, कोई भी शेप बन जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी शेप बना सकते हो इनके लिए, बर्ड्स के लिए। और मिल्क वॉश करके हमने यहाँ पर हर्ब्स डाल दिए। अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा इनका और मेकअप कर देते हैं। यहाँ मैंने बीट रूट का थोड़ा सा जूस निकाल लिया कद्दूकस करके, और ये इनकी ऐसे लिपस्टिक लगा दी, इनकी भीख थोड़ा सा हमने डिटेलिंग कर दी। और ये हमने हल्दी लगा दी यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए इनकी क्यूटनेस को और बढ़ा दिया हमने, ये देखिए। अब ये बेक होने के लिए तैयार हैं। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने 30 मिनट्स के लिए इनको बेक करने के लिए रखेंगे, और चेक कर लेंगे ये बेक हुई कि नहीं। ये देखिए बेक होके बाहर निकल के आ गई है, और इनकी खूबसूरती देखिए, कलर देखिए इनका कितना सुंदर आया है, और बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखिए ये नीचे से भी देखिए ये कितना बढ़िया बेक हुई हैं, कितना सुंदर कलर आया है। मैं इनको तोड़ के दिखाऊंगी प्रेजेंटेशन के बाद। ये मैंने थोड़ी सी राइस वर्मिसेली को डीप फ्राई कर लिया था, और ये नेस्ट का लुक देने के लिए, और ये देखिए बीचों बीच मैंने रख दिया है इसको, और यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ और बटर रख दिया है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने एक बोल में ये राइस वर्मिसेली को इस तरह से, मैंने मेरे पास पत्ते नहीं थे सैलरी के, तो मैंने पालक के पत्ते को वॉश करके अच्छे से और ऐसे रख दिया है। यहाँ मैंने धनिया के पत्तों के बीचों बीच इसको इस तरह से सजाया है, ये देखिए। और ये मैंने कई सारी बर्ड्स को एक साथ चहकने के लिए रख दिया है। ये मैंने कुछ सैलेड ले लिया है, यहाँ पर मेरे पास रेड कैबेज था, तो मैंने इस तरह से, आप अपने हिसाब से भी कोई सा भी सैलेड तैयार करके रख सकते हो। ये देखिए इसकी बीक में ये तिनके लगा दिए, कितने क्यूट लग रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास बर्ड्स का एक प्लेटर था, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से प्लेटिंग की है। गौर से देखिए इनकी मासूमियत को, जैसे ये कह रहे हो कि प्लीज़ हमको ना खाओ, लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल ज़िंदा ही हैं। अब हम बना लेते हैं इसके सैंडविच बर्गर। ये मैंने इसमें बटर लगाया और एक चीज़ स्लाइस रखी, उसके ऊपर सैलेड रख दिया है। आप अपने हिसाब से इसको सैंडविच बना सकते हो। यहाँ पर मैंने एक एगलेस मेयोनीज़ लगा दी है, क्रिस्पी नूडल्स के साथ चीज़ गार्लिक ब्रेड, और साथ में सैलेड। इसके स्वाद के क्या कहने, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और ये देखिए एकदम परफेक्ट ब्रेड, बहुत ही सॉफ्ट। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।